हेलो छात्रों, इस वीडियो में हम आपको सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो इस बार के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। इसमें से बहुत ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको पता होगा पहले से, तो कौन कौन सा क्वेश्चन आपको पहले से पता होगा हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। लगभग 30-35 दिन आपके एग्ज़ाम में अभी भी समय बाकी है, तो आप जो भी वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और हमारा जो भी वीडियो आएगा उसको आप जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको इस समय बताएंगे, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, मेजनी ने 1834 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना की। मेजनी ने 1834 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना की। इसका आंसर कई सारे छात्रों को पता भी होगा और कितने छात्रों को नहीं पता होगा, तो याद कर लीजिए। यह क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग यूरोप होगा, आंसर क्या होगा? बी नंबर, यंग यूरोप। आपके सब्सक्रिप्शन के लिए नीचे आंसर भी दे दिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और इस क्वेश्चन का पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सको, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे पीडीएफ में डाउनलोड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो सब लोग वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया। लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया। ऑप्शन है मेजनी, काबूल, गैरीवाल्डी, बिस्मार्क। यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन भी दे दिया गया, लाल सेना कुर्ती गठन गैरीवाल्डी ने किया था। किसने किया था? तो गैरीवाल्डी। आंसर क्या होगा? आंसर आपका 100% बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। जबकि तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में जैकोबिन बल्ब की स्थापना किसने की थी। राजा राममोहन राय, टिप्पू सुल्तान, गांधी जी, या फिर हैदर अली, बता सकते हैं इसका आंसर? तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आंसर शो किया गया, आंसर बी, यानी कि टिप्पू सुल्तान। आपका आंसर क्या होगा? बी नंबर, टिप्पू सुल्तान हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तीसरा का बी नंबर होगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। इसका तो आंसर हर किसी को पता है, क्योंकि यह क्वेश्चन इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। इसका आंसर हर किसी को पता होगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, नया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है, बता सकते हैं इसका आंसर? कितने लोग सही बता सकते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर डी नंबर का, आर्थिक समानता। क्या होगा? आर्थिक समानता पर बल देता है, ठीक है। आंसर क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा, पाँच का। यहाँ पर नीचे आंसर भी मिल जाएगा, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। आप लोग बता सकते हैं सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। क्या होगा? आंसर आपका डी नंबर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न सात नंबर देखिए, वर्ग संघर्ष के सिद्धांतों की व्याख्या किसने की। वर्ग संघर्ष सिद्धांतों की व्याख्या किसने की थी? फ्रेडरिक एंगल्स होना चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन बी में है, रॉबर्ट ओबेन, कार्ल मार्क्स, लुई ब्लाह। तो आंसर देखिए, आपका आंसर कार्ल मार्क्स होगा, जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था 1818 ईस्वी में, ठीक है। और कार्ल मार्क्स की पत्नी जो थी उनका नाम था जेनी, ठीक है। उनकी पत्नी का क्या नाम था? जेनी नाम था, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, आठ नंबर, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन के नाम से कहे जाते थे, जो आंसर में आपका सी दिया है, आंसर में सी नंबर में दिया है। आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बता रहे हैं। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। मुंबई, डांडी, सूरत, या फिर दिल्ली। आप बता सकते हैं? मुंबई, डांडी, सूरत, दिल्ली। तो आप देखिए नीचे आंसर भी दिया गया है, नीचे आंसर भी दिया गया है कि बी होगा, डांडी में, डांडी चुना गया था। डांडी मतलब कि स्थान चुना गया था नमक कानून तोड़ने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दस नंबर देख सकते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब और कहाँ हुई। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आंसर भी दिया डी नंबर में, लखनऊ, 1936 ईस्वी लखनऊ में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर 10 प्रश्न समाप्त हो गया और मुझे उम्मीद है कि 10 में से 8 का आप लोग आंसर जरूर दे चुके होंगे, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक पहले कर दीजिए, तो सभी लोग वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, ईमानदारी से लाइक करिएगा वीडियो को, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है, भारत के चौकीदारी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के चौकीदारी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए 11 का आंसर देखिए, गंगा राय प्रसाद। आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, गंगा राय प्रसाद। क्या होगा आंसर? ए नंबर ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, पुनः स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो 1929 लाहौर, 1929 क्या होगा? लाहौर होगा। ये अभी कब होगा? तो देखिए आंसर तो ए नंबर होगा, देखिए आंसर में ए दिया है। और यहाँ पर 31 दिसंबर 1929 ईस्वी लाहौर। अगर दिसंबर का बात पूछे दिसंबर
29 दिसंबर का, लेकिन 31 दिसंबर का, लेकिन यहाँ पर मतलब कि सन दिया है, तो आप आंसर ए पर टिक लगेगा, आंसर ए नंबर येगा, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 13 नंबर, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, ये तो हर किसी को पता होगा, चंपारण में किया था। कहाँ पर? चंपारण में ही किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ, इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहाँ पर आंसर बी नंबर का 1926 ईस्वी में, कब हुआ था, तो 1926 ईस्वी में आंसर क्या होगा, बी नंबर का। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, राउरकेला का लोहा इस्पात कहाँ, मतलब इस्पात उद्योग कहाँ है, तो राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया था, आंसर क्या होगा, आंसर इसका भी 16 का भी आंसर ए नंबर ही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, प्राचीन काल में किस मार्ग से एशिया एवं यूरोप, एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो रेशमी मार्ग का, क्या होगा आंसर, इसका आंसर बी नंबर का, ये तो आपको पहले से पता होगा। और यहाँ पर ग्रीमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है, तो अनुबंधित मजदूर को हम लोग ग्रीमिटिया मजदूर के नाम से जानते हैं, इसका आंसर ए नंबर का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर देख सकते हैं, 1922 ईस्वी में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया था। 1922 ईस्वी में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया था, गांधी जी, जिन्ना, के एम पन्नीकर, या फिर नेहरू, इसका आंसर देखिए के एम पन्नीकर होगा, पन्नीकर जी किए थे, आंसर सी नंबर का, नीचे से दिया है। और अगला क्वेश्चन, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था, ये हर किसी को पता होगा, हर छात्रों को पता होगा, कागज़ का आविष्कार सबसे पहले चीन देश में हुआ था, उसके बाद ही भारत में मतलब कि इसका कारोबार शुरू हुआ, ठीक है, तो पहले तो चीन ही होगा, ठीक है, आंसर क्या होगा, चीन ही आपका आंसर होगा, सॉरी आपका आंसर क्या होगा, ए नंबर ही होगा, कागज़ का आविष्कार चीन देश में ही हुआ था, ठीक है। तो आप देखिए, तो आपका आपको कितना क्वेश्चन याद है, 20 क्वेश्चन बताए, 20 में कितना क्वेश्चन आपको याद है, हमें कमेंट करके एक बार बता दीजिए, तो देखते हैं कितने लोगों का कितना सही होता है, जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।